ध्यान रखिएगा, हमको लोगों को हर व्यक्ति को अनाज देना है। अनेकों बहाली निकलने वाली, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियां जिनको नौकरी में जाना है वो तो नौकरी में जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको तो स्वरोजगार से भी जोड़ना है। आज इस शिलान्यास उद्घाटन से लगभग 100 किलोमीटर सड़क पूरा जिला में आपका 100 किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास किया जा रहा है, जो पीडब्ल्यूडी रोड बनाएगी और वहीं पर ग्रामीण विकास के माध्यम से 460 किलोमीटर सड़कें यहां बननी है, जिसका आज हम लोग आधारशिला रख रहे हैं। और उसी तरीके से पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 70 किलोमीटर सड़क का उद्घाटन भी है और 50 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का उद्घाटन भी हो रहा है। तो इस तरीके से क्योंकि आप हम सभी जानते हैं, ना जाने गोड्डा जिला में इससे पहले क्या हुआ, यहां पर सड़कें बहुत खराब रहती थी, बहुत ही खराब, इतना खराब कि क्षेत्र भ्रमण करने में भी कई बार सोचना पड़ता था। अभी सुंदर पहाड़ी डैम को हम लोगों ने सीधे गोड्डा जिले से जोड़ने का, सुंदर पहाड़ी को एक पर्यटक स्थल बनाने का एक सोच बनाया है और बहुत खूबसूरत सड़क वहां पर बनाने की कोशिश चल रही है, जहां मिनटों में हम लोग शहर से उस सुंदर पहाड़ी के डे में पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार कई चीजें हैं जो आज यहां काफी अच्छी चीजें देखने को मिली कि लोग पशुपालन के क्षेत्र में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, मुर्गी पालन में भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वरोजगार के रास्ते पर लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनके लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। अभी कल ही परसों लगभग हम 300 से अधिक डॉक्टरों का बहाली किया, अनेकों बहाली निकलने वाली है। हाँ, ये बात थोड़ा सा जरूर है कि इसमें विलंब हुआ, विलंब हमारे जो विपक्ष के साथी लोग हैं उन लोगों के अड़चन के वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आई, लेकिन ये अब पूरा नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और हमारे पढ़े लिखे युवक युवतियां जिनको नौकरी में जाना है वो तो नौकरी में जाएंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ा लिखा है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसको तो स्वरोजगार से भी जोड़ना है। इसके लिए कई एक योजना हम लोगों ने चला रखी है, जिससे आप लोग
अपना रोजगार सृजन कर सकते हैं, चाहे आप खेती बाड़ी करके, चाहे आप होटल रेस्टोरेंट खोल करके, चाहे राशन दुकान खोल करके, चाहे जूता चप्पल कपड़ा लत्ता का दुकान खोल करके, कोई भी तरीके का काम आप करना चाहते हैं, सरकार को आप आवेदन दें और सरकार आपको आर्थिक रूप से सहायता करेगी, आप स्वरोजगार अपना प्रारंभ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारी बच्चों के लिए और उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी हम लोग बेहतर व्यवस्था खड़ा करने की लगभग पूरी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। कई स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां बिल्कुल प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर वहां पर पढ़ाई लिखाई होगी, उनके शिक्षकों की ट्रेनिंग आईएएम जैसे प्रसिद्ध संस्थाओं में कराया जा रहा है, ताकि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा हमारे बच्चों को मिल सके। और जहां बच्चों को पढ़ाने की बात, लगभग आप समझ लीजिए कि आप आपके बच्चे का पूरा पढ़ाई का खर्चा अब राज्य सरकार वहन करने जा रही है, ये कानून हम बना रहे हैं। बच्चों का छात्रवृत्ति भी हम लोगों ने बढ़ा दिया, जो इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है उसके लिए भी उसको आर्थिक सहायता देने का हम लोगों ने कानून बना दिया। अगर कोई नौकरी करने की तैयारी करना चाहता है, कोई कोचिंग करना चाहता है, उसके लिए भी सरकार पैसा देगा, ये कानून बना दिया। पढ़ाइए आप अपना बच्चों को। तो कई ऐसी चीजें, अगर मैं योजनावाद आगे बढ़ूं तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इन संक्षिप्त समय में ही बहुत सारी चीजों को मुझे देखने का समझने का मौका मिलता है, इसलिए आज आपके बीच में हम आए। तय नोंडेनवा घटियारी पंचायत नवा पंचायत ने लगभग 5,500 होड़ में रख दिया। आज 5,500 होड़ रहे, लगभग 10,000 होड़ में पेंशन के नाम है। पहले लातू दिशो में आये मां हड़ाम बुढ़ी को और रंडी को गोहड़ को तहन कहते हैं पेंशन बाग को जामे तय। लेकिन देख पंजा करते हड़ाम बुढ़ी बाबू जाम को आज आप पेंशन बाग को जामे। हमको आजकल सूचना तंत्र भी बहुत बड़े पैमाने में इधर उधर घूमता रहता है। यहां एक हम लोग का बड़ा केरलो जो गांव है, वहां से कुछ लोग पता नहीं क्या अफवाह लोगों ने उड़ाया तुरंत उस अफवाह को ध्यान में रखकर वहां पर पंचायत का शिविर सरकार का शिविर भी लगा लिया। बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है पूरे जिले के पदाधिकारियों को, किसी भी तरीके की कोई सूचनाएं किसी गांव से हो उस पर तुरंत कार्रवाई। राशन का भी आज आलम यह है, हमको इसका जानकारी मिला है, यहां पर दो दो लोग राशन कार्ड बना बना करके भी घूम रहा है।
कोई पहाड़िया राशन कार्ड बना करके राशन ले रहा है, कोई सामान्य राशन कार्ड का भी कार्ड लेकर के लाभ लेने का प्रयास कर रहा है। ध्यान रखिएगा, हमको लोगों को हर व्यक्ति को अनाज देना है, लेकिन कोई आप लोगों की गलती से भूखा ना रह जाए। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिए, जिसको एक राशन कार्ड है वो दो तीन राशन कार्ड बनाने की गलती ना करे, कल को कार्रवाई होगा तो फिर आप मुसीबत में फंसेंगे। तो इसलिए बिल्कुल अस्पष्ट रूप से आप लोग, सरकार हर मदद करने के लिए तैयार है। आज यहां पर लगभग 44-45 जनवितरण प्रणाली की दुकानों को चलाने का निर्णय लिया गया है, और जिसमें 18 जो है महिला समूह चलाएंगी अब हम लोग का पीडीएस का दुकान, जनवितरण प्रणाली की दुकान है। आज महिलाओं की भी, जिसको हम हमेशा से किनारे रखते थे, अब उसको भी अपने साथ में कंधा से कंधा कैसे मिला के चल सके, इस पर सरकार बिल्कुल स्पष्ट नजरियों के साथ उन महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। कई ऐसी चीजें हैं, इसलिए आप लोग भी थोड़ा कान खोल करके ध्यान लगाकर सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में आप लोग जानने का, समझने का प्रयास करें। आज इतनी योजनाएं सरकार चला रही है, इतनी योजनाएं चला रही है कि अगर आप ईमानदारी से उन योजनाओं का लाभ लें तो किसी को राशन कार्ड लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप खुद ही इतना आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे कि राशन कार्ड का अनाज से बेहतर अनाज आप खरीद के खा सकते। इसीलिए पशु जो हम लोगों ने योजना चलाया है, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, उसके माध्यम से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर, बतख जो पालना है पाली। अभी एक महिला यहां से मुर्गी पालन की योजना लेके गई 9 लाख रुपए का, उसको हम लोगों ने अनुदान दिया। पहले उसका छोटा मोटा मुर्गी पालन फार्म होगा, उसको और बड़ा करना चाहती है, तो अब हर को तो चले गई बाबू दड़े गाय गाय डंगरी मैरम सुखरी माँ वो जाए जो खोए बंद होगा उनको के चले गई बाप असूले असूल को पे नुआ माँ बोले हपड़ाम को चेकते को सेनका ना नुडे दिसोम रे गाय डंगरी आते बगी कते को सेनका सेनका ना को नुडे खोन, लेकिन उनको गाय डंगरी मैरम भी हो तो बाबू नहीं ले। तो उनाते ओलो पढ़ा लगी हो आपे चिंता रिया दरकार बनुआ आपे अपना कामी पे और पढ़ा लगी सरकार जिम्मा करना कि आपे रंगीदर को चिकाते मौज तक को पढ़ा होना लगी इस टाइपन हो गिदर को जामिदा आ रहा स्कूल कॉलेज रे को सेना होना लगी हो पैसा सरकार इंजीनियर डॉक्टर लगी पढ़ा रहा लगी हो पैसा सरकार करना आर तो आर नौकरी चाकरी लगी हो अगर जिधर जहां रहे ट्यूशन पढ़ा करना होना रहा पैसा हो सरकार करना विदेश सेनो लगी हो सरकार पैसा है मुक्त करना तौरे हो जिधर बाबुन पढ़ाओ खाए तो अड्डी बहुत मुश्किल हो तो नाते आपे सेनकोट निहार नुआ आतू आतूर है
के जिनिस ले हटी गपे करना आयो होड़ को लगी बाबा होड़ को लगी हराम को लगी बूढ़ी को लगी गिदर को लगी बूढ़ी गिदरा को लगी सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना ले का उनारे जो कुड़ी गिदरा को बना उनको ले जोड़ावे आर उन्हीं गिदर 18 बच्चर जाहिलो हुई तया उन्हीं अतीरे 40,000 टका ले अंक तेले बजाये 40,000 तो एक नोना लगी दुबान की पढ़ा बगिया में बल्कि आरो लाह से पढ़ा लगी किताब कलम हथाओ लगी आर लाहसन कॉलेज रे जैसे बोलो आ कॉलेज रे आर हो पूरा रे खर्चा राज्य सरकार से खो जाम बखाए कुड़ी किदरा कना है ने 10-12 बच्चर हुई ने मां जवा पंजाए पे ओना कमी पे हो ओना समय पहिल हुई कांता है नीता समय रे कुड़ी गिदरा बाको और पढ़ाओ ताइन खान उनको रे गिदर कहो बाको लो बाको पढ़ा आले पे ओना तो कुड़ी गिदरा कहो मौत पे पढ़ाओ को पे ताकि उनको हिजू रे आरो गिदर गिदर मौत पे को जन्मो ओलो पढ़ा माको आ नवा दिसों बकरा जे जाय जुग होड को एड़े बढ़ाए पुना पुना आलम उड़े तो निया को मेन करते कथा मुझे दा आरो छे शिलान्यास उद्घाटन को बिना आरो नवा स्कूल करे आरो छे जे को बिना बढ़ाओ का और तहले से नवा आरो मी टाइम बारे कार्यक्रम बिना निया मेन करते कथा मुझे दा अड़ी अड़ी सराव आरो मी तो वाली सेन खोन नोंडे पे स्वाच डर कान सनाम को वाली सेन खोन गुन बनाओ जोहार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को